धौलाधार के आंचल में पैदा हुआ हिमाचल का लाल माँ गंगा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली की अस्थियां बुधवार को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गई। मंगलवार को जीएस बाली की अस्थियों को लेकर उनका पूरा परिवार और तमाम समर्थक हरिद्वार के लिए रवाना हुए। जीएस बाली के पुत्र और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली ने अपने पिता की अस्थियों को लेकर पूरे विधि विधान के साथ माँ गंगा में विसर्जित किया। उत्तराखंड के बॉर्डर पर पहुंचते ही प्रशासन ने पूर्व मंत्री बाली की अस्थियों के लिए पायलट दिया और पूरे लाव लश्कर के साथ उन्हें गंगा घाट तक कार्डन ऑफ दिया गया। उत्तराखंड सरकार का यह सम्मान और लोगों का स्नेह दर्शा रहा है कि जीएस बाली की शख्सियत न केवल हिमाचल बल्कि पड़ोसी राज्य में भी लोकप्रिय थी। नशा किसी एक व्यक्ति पर असर नहीं करता, नशा पूरे खानदान को तबाह कर देता है। आज ही संपर्क करें होप केयर ड्रग एंड अल्कोहल रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर, विलेज अगलौर, पोस्ट ऑफिस मंडली, तहसील बंगारा, डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश।